नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम पॉलिटी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं उस यूनियन एग्जीक्यूटिव में आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इनका पर्पज क्या होता है, किसको सर्व करते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है और इनका चयन कैसे होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हैं के वेणुगोपाल जो कि अभी प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तो आइए चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है, आर्टिकल 76 में इनकी व्याख्या की गई है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनका काम क्या है, पर्पस क्या है, इन सबके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किस सेंस में, जरा समझिए, जो सबसे ज्यादा केस दायर किए जाते हैं भारत भर में, सबसे ज्यादा अगर केस किसी पे किए जाते हैं तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार। और जो सबसे ज्यादा केस किसी पे दायर करती है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को भी रिप्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए? तो वह व्यक्ति जो कि भारत सरकार द्वारा किए गए केसेस या भारत सरकार पर किए गए केसेस इनके ऊपर इनकी देखभाल करे या फिर इनके लिए भारत सरकार को रिप्रेजेंट करे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके सजेशन पे, किसके एड एंड एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। बहरहाल प्रेसिडेंट ने एजीआई को असाइन किया है ड्यूटी टू अपियर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ इस लाइन को समझते हैं कि प्रेसिडेंट ने ये पावर किसे दी है, ये पावर दी गई है किसे, ये दी गई है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और पावर क्या है कि इनकी ड्यूटी रह जाती है कि ये भारत सरकार पर किए गए केसेस या भारत सरकार द्वारा किए गए केसेस में रिप्रेजेंटेशन करे भारत सरकार, यानी भारत सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने जाएंगे। ठीक है, केसेस इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न का मतलब यह है कि चाहे केस भले ही भारत सरकार ने किया हो या भारत सरकार पे हुआ। एंड टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, उससे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी आप सुन रहे होंगे, मैंने वीडियो भी बनाया है इस पे, बहुत ही डिटेल्ड में मैंने इसको समझाया है। पेगासस इशू है ना, जो स्नूपिंग इशू हुआ था, पेगासस इशू हुआ था, पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज किया गया, ऐसा क्लेम आया था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा। और वो जवाब किसने कौन उसकी तरफ से देगा, अटॉर्नी जनरल। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अटॉर्नी जनरल, राइट। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम कि प्रेसिडेंट ने इनको ये ड्यूटी दी है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी केसेस है उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करें। अब ये सवाल उठ खड़ा होता है कि आर्टिकल 143 है क्या, जो यहां पे दिया गया है ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये क्या है इसका मतलब। देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको दूं, एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कुछ सालों पहले आपने सुना होगा 2G स्कैम है ना, 2G घोटाला। तो 2G में हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने उस समय की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 2G जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन कर दिया था, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट। और ये 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होना चाहिए, पहले आओ पहले पाओ ये कोई सही बेसिस नहीं है, आपको ऑक्शन रूट लेना चाहिए था, आपको बिडिंग करवानी चाहिए थी और इससे आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आता। ठीक है, तो ये स्टे लगा दिया। तो फिर प्रेसिडेंट ने कहा कि अच्छा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके का एडवाइजर है प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट को एडवाइज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी उस समय प्रेसिडेंट ने कि देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम रिलेटेड है या फिर नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस या नेचुरल रिसोर्सेज है,
इनका अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनका आवंटन करना है, इनको बांटना है, वो कैसे करना चाहिए, उसका क्या रास्ता होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखने वाला कौन था वहां पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं जब वो रेफरेंस ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट से वो कोई एडवाइस सीक कर रहे हैं उस समय, तो ये आर्टिकल 143 कहलाता है। तीसरी ड्यूटी भी है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है, टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सच लीगल कैरेक्टर्स एज फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और रिजाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कल को केरला हुआ या कोई भी भारतीय राज्य, ऐसा केरला की बात ना करें, कोई भी भारतीय राज्य, अब उस राज्य में हालात गंभीर हुए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, दंगों पे दंगे हुए जा रहे हैं, अस्थिरता बनी हुई है, और तो गवर्नर क्या करेंगे, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, इस रिपोर्ट को तैयार करके कहां भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कुछ एक पॉइंट्स मेंशन है, इनके बेसिस पे आप यहां पे राष्ट्रपति कानून घोषित कर दीजिए, इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति कानून यहां पे घोषित कर दीजिए, इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे और कहेंगे कि एक बात बताओ, इन्होंने जो ये ग्राउंड्स यहां पे मेंशन किए हैं, क्या इनके बेसिस पे लगाया जा सकता है, क्योंकि लेट्स फेस इट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें चूज किया जा रहा है, हमने देखा था पूरा प्रेसिडेंट के बारे में, हमने 3 लेक्चर्स में कवर किया, तो जो ये व्यक्ति हैं, क्या ये लॉ समझने वाली व्यक्ति, क्या मतलब अगर बेसिकली कहा जाए तो कानूनी भाषा बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, और एक आम व्यक्ति को कानूनी भाषा अच्छे से समझ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बहरहाल एक प्रेसिडेंट का सलाहकार भी होना चाहिए कि वो उनको कानूनी दाव पेच में सलाह दे सके। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस डिसीजन को चैलेंज भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल से ही एडवाइस दी जानी चाहिए कि साहब ये बताइए कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं हाँ मैं डिफेंड कर पाने में सक्षम हूं, आप लगाइए, तो फिर वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा, या फिर जो भी पॉलिसी वहां पे अप्लाई करनी है लग जाएगी। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम टू टाइम जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट उनसे मांगेंगे वो उनको देनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना होगा। उसके बाद आती है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात कर लें तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करेंगे जो कि क्वालिफाइड है। देखिए अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशंस किसके साथ इंटरसेक्ट करती है? ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, राइट? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, जो जज बन सकता है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशंस है वही क्वालिफिकेशंस अटॉर्नी जनरल की है। छोटा सा एक फर्क है, आगे चल के देखेंगे एज का। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट होती है 65 अपर एज लिमिट, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता अटॉर्नी जनरल में। तो देखिए लिखा भी है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी एजी। अब अच्छा, हम ये भी जान चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप है, तो ये जो भी काम करेंगे किसकी मदद से करेंगे, किसकी एड एंड एडवाइस, किसकी एडवाइस पे करेंगे, किसकी सलाह पे करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये यहां पे ऐसा रहेगा, ठीक है। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस एक्चुअली हैं क्या। बेसिकली अभी तक हमने कहा क्या, देखा क्या, कि जो क्वालिफिकेशंस हैं वो किसकी तरह होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जो जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस है बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस क्या है? सबसे पहला, वो व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यूनिवर्सल है ये, भारत का ही
एक नागरिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स वही बन सकते हैं। दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए या अटॉर्नी जनरल होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है, पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरा एक जज की तरह इन्होंने सर्व करना चाहिए, सर्व्ड एज ए जज, सर्व्ड एज ए जज इन ए हाई कोर्ट और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, लगातार 5 सालों तक, लगातार 5 सालों तक, जी हां लगातार 5 सालों तक इन्होंने हाई कोर्ट में एक जज की तरह काम किया हो या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में जज की तरह काम किया हो। और अब देखिए यहां पे एंड है और यहां पे और है, या फिर अगर ये जज की तरह काम नहीं किए हैं तो फिर सर्व्ड एज एन एडवोकेट, सर्व्ड एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कम से कम 10 सालों तक। अगर ये भी नहीं तो और अभी और भी है तो और ये एक कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जिसे चाहे एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट मतलब कहने का मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके अलावा इनमें से कोई एक, या तो इन्होंने जज की तरह सर्व किया हो पिछले 5 सालों तक लगातार कम से कम कहां हाईकोर्ट के अंदर, या फिर एक एडवोकेट की तरह काम किया हो हाईकोर्ट में कम से कम 10 लगातार सालों तक, या फिर कोई एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नजरों में। प्रेसिडेंट की नजरें कह रहा हूं मतलब प्रेसिडेंट इज अ रबर स्टैंप, आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कुछ एक फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि जो एज लिमिट है वो 65 है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जबकि एजी पे नहीं लगती। जैसे अभी अगर बात करें तो के वेणुगोपाल जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं गोपाल, ये इनकी एज 90 इयर्स है, जी हाँ एज ऑफ नाउ इनकी एज 90 इयर्स है, 90 साल है इनकी एज, राइट 1931 का इनका जन्म है और 90 इयर्स के हैं ये। सो अगर आप अभी देखें तो 90 साल इनकी उम्र है और 65 से ये बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी ही सर्विंग एज अटॉर्नी जनरल, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI। तो ये पार्लियामेंट मतलब कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी है ना, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा केस होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा केसेस भी करती है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तो होने चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, इसका मतलब इनसे, ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मैं समझा चुका हूं पहले, ये है टेन्योर से रिलेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सीधा सीधा लिंक किससे है, टेन्योर से। अब टेन्योर से क्या मतलब है, टेन्योर है कि कितने समय तक ये इनडेफिनिट, ऐसा कोई भी डेफिनेट रूप से समय नहीं है, कोई समय अंतराल नहीं है जब इनको इनका टेन्योर खत्म हो कि 5 साल 10 साल 20 साल आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर होगा तब तक इनको मतलब सर्व करना होगा। बहरहाल प्रेसिडेंट का प्लेजर मतलब पर्सनल प्लेजर नहीं, एड एंड एडवाइस की बात आ जाती है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहेंगे इनको रखेंगे, अदरवाइज इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो टेन्योर कोई फिक्स नहीं है, और जो रेम्यूनरेशन है वो भी किसके द्वारा डिसाइड होता है, प्रेसिडेंट द्वारा। तो जो भी इनके इनको दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, डिसाइड होता है। बहरहाल ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, यहां पे ये भी समझ लेना चाहिए कि इसे एक पॉलिटिकल पोस्ट समझा जाता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
जब यूपीए 2 थी तो यूपीए 2 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और गुलाम ई वानावती ये थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यूपीए 2 के बाद में 2014 में एनडीए या हम यूं बोले कि मोदी गवर्नमेंट आई एंड इस मोदी गवर्नमेंट में गुलाम ई वानावटी ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद मुकुल रोहतगी इन्हें बनाया गया क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने 3 साल तक सर्व किया और 3 साल के बाद रेजिग्नेशन दे दिया और इनके बाद बने के वेणुगोपाल जो कि अभी भी करेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, राइट। तो इसीलिए ये एक पॉलिटिकल पोस्ट के रूप में देखा जाता है कि जब तक कोई पार्टी एंजॉय कर रही है पावर और पावर में है तब तक ठीक है, ये भी रहते हैं, अदरवाइज फिर खत्म, ये भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस। देखिए राइट ऑफ ऑडियंस अलग है, राइट टू ऑडियंस अलग होता है। राइट टू ऑडियंस मतलब सुनना, राइट ऑफ ऑडियंस का मतलब है कि इनको सुना जाएगा इन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसमें पार्टी 1 एंड पार्टी 2, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो तब आते हैं पिक्चर में, या हम यूं बोलें कि इनका काम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना। यानी अगर गवर्नमेंट पार्टी 1 या पार्टी 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे तो आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछेगा कि हम आपको क्यों सुने, आपका लोकस टेंडाई क्या है केस में, आपकी अहमियत क्या है, आपका रोल क्या है इस केस में। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल पहुंचते हैं वहां पे तो उनसे कोई ऐसे सवाल नहीं होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं एंड इनको सुना जाएगा। और ऐसा सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, हर एक कोर्ट में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऐसा चलेगा। सो अटॉर्नी जनरल का ये एक प्रिविलेज है जो उनको ग्रांट की गई है, ठीक, राइट ऑफ ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस नहीं, राइट ऑफ ऑडियंस। उसके अलावा enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament. देखिए साहब क्या होता है ना कि जो अटॉर्नी जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल जो है ये आपका दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा इसकी प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं, ठीक है, लीगल टर्म्स में बिल्कुल, एंड जॉइंट सिटिंग्स में भी आ सकते हैं। मैं आपको वैसे बता चुका हूं कि जॉइंट सिटिंग्स कब होती है, जब रोड ब्लॉक आ गया हो, लोकसभा राज्यसभा बिल एक ने पास किया नहीं किया, अब रोड ब्लॉक आ गया अंटिल और अनलेस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग होगी और फिर मेजोरिटी से फैसला लिया जाएगा, तो उस ज्वाइंट सिटिंग में भी इनको बोलने का और रहने का हक है ना। या फिर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें भी, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, आगे चल के जब हम लोग लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। बहरहाल ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री कमेटीज बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनती है, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फिर भी ये पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट हो सकते हैं, स्टिल ही कैन बी ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये इंपॉर्टेंस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। लेकिन 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 इनको राइट टू वोट नहीं मिलता, इनको क्योंकि चुन के नहीं आया ना, तो राइट टू वोट नहीं है, लेकिन बाकी सारे पर्क्स हैं जो बाकी के एमपीज के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये प्राइवेट केसेस भी लड़ सकते हैं इसमें, जिसमें ओपोनेंट स्टेट ना हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लूं अपना नाम वरुण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये अगर कोई केस हुआ तो इसमें अटॉर्नी जनरल मेरी तरफ से नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, उसको रिप्रेजेंट करना। देन हाउ कैन ही रिजाइड बाय मी, राइट? उसके बाद कैन नॉट डिफेंड द अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल केसेस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। आप बोलेंगे वेट 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 सर, क्रिमिनल केसेस वो होते हैं ना जिनमें एक पक्ष क्रिमिनल और अक्यूज्ड और दूसरा गवर्नमेंट होती है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम हो गया। ये तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिसमें अपोनेंट स्टेट हो, और यहां तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप जब गवर्नमेंट है, अपोनेंट उससे परमिशन लेना पड़ रहा है। फिर ये क्या सेंस है? गवर्नमेंट केरल की भी तो हो सकती है, गवर्नमेंट गुजरात की भी तो हो सकती है, गवर्नमेंट आपकी सिक्किम की भी तो हो सकती है, गवर्नमेंट आपकी राजस्थान की भी तो हो सकती है। क्रिमिनल केसेस में स्टेट गवर्नमेंट है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट को। तो यूनियन गवर्नमेंट से ये क्या कर सकते हैं? एक परमिशन लेके एक्यूज्ड, यानी कि जिस जो कहने का मतलब है कि जिस जिसके खिलाफ केस है, क्रिमिनल केस है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हो उस केस में, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, राइट? उसके बाद डज नॉट फॉल इनटू द कैटेगरी, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी नहीं है, राइट? नेक्स्ट असिस्टेंट। अब देखिए यहां ये भी समझ लीजिए कि सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये एडवाइजर्स होते हैं, या हम यूं बोले असिस्टेंट्स एंड असिस्टेंट्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यार आप सोचो कि बहुत सारे केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे होते हैं, बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर इनको असिस्ट एक आदमी से तो हो नहीं पाएगा, तो इनको असिस्ट करने के लिए लॉ ऑफिसर्स चाहिए। वही लॉ ऑफिसर्स कौन है? सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और ये कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल सिर्फ एक होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि भारत के संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो मैंडेटरी हो जाती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको देखिए सबसे बड़ा जो एक डाउट रहता है सबके मन में वो रहता है कि सॉलिसिटर जनरल क्या है, है ना, आपका अटॉर्नी जनरल क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो यही हम लोग देखते हैं, राइट? सो ये है, अभी जो प्रेजेंट में सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता, एंड तुषार मेहता ही नेक्स्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चुने जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज आउट। बहरहाल वो एक अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नए हैं होने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।